हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। करनाल के सेक्टर 8 में गाड़ी सवार चार बदमाशों ने राइस सेलर मालिक के घर पर फायरिंग की। दरअसल कुछ बदमाशों ने पहले राइस सेलर मालिक के घर की घंटी बजाई और उससे पहले कि कोई बाहर आता ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी के शीशों से लेकर घर के पिलर पर गोलियों के निशान मिले हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मकान नंबर 23 बटार से अपना सुभाष सिंह लगे मकान पर आज सुबह पता लगा हमारे को भाई चार अननोन पर्सन एक गाड़ी में बैठ कर आए हैं और यहाँ पे उन्होंने फायरिंग की है। तो हम यहाँ भी सूचना पाकर मौके पहुंचे हैं, पूछताछ की गई है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें गाड़ी का नंबर और उसका पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। CIA टीम FSL टीम हमारी मौके पर पहुंचने वाली है और इसमें मकान मालिक से भी हम अच्छी तरह पूछताछ करेंगे और जहां तक संभावना है मुलजमों का जल्दी ही सुराग लगे। ठीक है, रंग काला मिला है और वो दो चार मिनट सेंटेंस इतना है कि हम अगर देखें तो उनका मुख्य उद्देश्य यही लगा जा रहा है दहशत फैलाना। मतलब हम 6 भाई हैं और सारे करनाल में रहते हैं और सबके अलग अलग मकान है। ऐसे तो जैसे अब आज मेरे मकान पे कर दी, कल ना दूसरे भाई के मकान पे कर देंगे। ये तो मतलब पुलिस को देखना चाहिए और SP साहब को, प्रशासन को देखना चाहिए और मतलब इसके बारे में तो बहुत बड़ी वो है। अभी कल को मारेगा तो बाहर निकलने का वो नहीं मिलेगा। कल मारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकेंगे, स्कूल में नहीं जा सकेंगे। सुबह मतलब उन्होंने बेल बजाई एकदम 8-10, तो मिसिज उठाई, उसने देखा भाई एकदम उन्होंने गोली चलाई जी, तो गेट को टक्कर मारी, कार पे गोली चलाई, मतलब गाड़ी दी उन्होंने नाम लेकर। तो वो कोई जानबूझ के किसी के भेजे स्पेशल आदमी है जिन्होंने मतलब जानबूझ के ये काम